force on current carrying conductor lying in magnetic field. तो जो next topic है उसमें क्या given है कि एक current carrying conductor है, current carrying wire है, मुझे उस current carrying wire में क्या निकालना है, force निकालनी है कितनी लगी जब वो magnetic field में पड़ी हुई है. Question ये arise होता है कि current carrying wire पे force क्यों लगेगी. ठीक है, हमने ये अभी स्टडी किया पिछले लेक्चर्स में कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है Q, वो अगर V वेलोसिटी के साथ मूव करता है इन मैग्नेटिक फील्ड तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, बी क्यू बी साइन थीटा, मानते हो ये चीज. तो कोई ये कहता है कि ठीक है चार्ज हवा में तो उड़ेगा नहीं, हम क्या करेंगे एक वायर लेते हैं, एक कंडक्टिंग वायर लेते हैं, उस कंडक्टिंग वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करवाओ. इलेक्ट्रॉन्स मूव कैसे करते हैं, करंट पास करके. अब इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन की बात करो, अगर एक इलेक्ट्रॉन चार्ज है और बाहर अप्लाई कर दो मैग्नेटिक फील्ड तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो एक इलेक्ट्रॉन अगर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी एक्सपीरियंस करेंगे. तो अगर मैं सभी इलेक्ट्रॉन की फोर्स निकाल दूं तो वो क्या कहलाएगी, एक वायर के ऊपर फोर्स. तो ऐसा नहीं कि वायर के ऊपर फोर्स सीधा निकलती है, नहीं, कॉन्सेप्ट वही है कि एक चार्ज पार्टिकल पे जब फोर्स लग सकती है तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग सकती है, तो कंडक्टर में मूव करता हुआ करंट भी तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है. उन सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अगर मैं नेट फोर्स निकाल दूं तो पूरी वायर की फोर्स कहलाएगी. तो इसको करने के लिए हम टॉपिक करते हैं कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड. तो ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में आने की प्रोबेबिलिटी भी रहती है, ऐसी बात नहीं है. तो एक्सप्रेशन है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड में, बस आपने कुछ नहीं करना, एक वायर लेनी है. एक वायर की लेंथ क्या है, एल, अंदर क्या मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो आप सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ले लो बस. एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट ऑब्वियसली ऑपोजिट जा रहा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोशन और करंट की मोशन ऑपोजिट होती है. तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, जब करंट आए पास किया जाए, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो सोचो एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट एंड बाहर क्या अप्लाई किया गया है, मैग्नेटिक फील्ड. तो एक इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. तो कितनी फोर्स, फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 × 10⁻¹⁹ है, वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट है और मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है. तो ये कितने इलेक्ट्रॉन पे फोर्स आई, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स आ गई. पहला स्टेप क्लियर है. मान लो इस पूरी वायर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पूरी वायर की फोर्स क्या होगी, एन टाइम्स एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स. तो एन इंटू एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स, तो एफ एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स हम निकाल चुके हैं, माइनस ई वी डी क्रॉस बी, इसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी वायर की फोर्स आ गई. क्या ये स्टेप क्लियर है, कायदे से आंसर आ गया. हमने तो निकालना था कि एक वायर के ऊपर कितनी फोर्स है, इतनी फोर्स है, पर हम ऐसा रिजल्ट यूज नहीं करते, मॉडिफाइड रिजल्ट बनाते हैं. कैसे, मान लो पूरी वायर में स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, छोटा एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और पूरी वायर का वॉल्यूम है कितना, एरिया इंटू लेंथ. क्लियर है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वायर में कितने निकल के आएंगे, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को वायर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए. इस एन को उठा के ऊपर पुट कर दो तो आपके पास आ गया एन ए एल इंटू वी डी इंटू बी, मतलब इस पूरे एन को ऊपर पुट कर देना है. जब ऊपर पुट करोगे तो एन के अंदर एल आ रहा है, एल का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर एल के ऊपर वेक्टर भी लगाना है, एल वेक्टर. तो ये स्टेप क्लियर है यहां तक. तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स निकाल ली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लिए, एन, टोटल फोर्स निकाल ली, ये आ गई. कैपिटल एन क्या चीज है, स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम, स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम. तो आपके पास एन की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई. यहां तक रोक लें, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट वी डी. वी डी क्या होता है, आई बाय एन, नहीं, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आई की वैल्यू आ गई. एक काम करो, दोनों साइड को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, एल और एल मल्टीप्लाई करके वेक्टर पे वेक्टर लगाओ, क्वांटिटीज पे. एल इज अ वेक्टर, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वी डी इज अ वेक्टर, एल इज अ वेक्टर, ये सब वेक्टर्स आ गए.
जैसे ही वेक्टर लगा साइन नेगेटिव लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट अगर मेरी तरफ है तो करंट की डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, जो करंट एलिमेंट याद है, करंट जो वायर की जो लेंथ है ना वो डिस्प्लेसमेंट ली जाती है एल वेक्टर। अब वायर का एल वेक्टर लेफ्ट होगा या राइट होगा वो डिसाइड कौन करता है? करंट की डायरेक्शन। अगर करंट इधर है तो एल वेक्टर इधर है, अगर करंट इधर है तो एल वेक्टर इधर है, क्लियर है? तो इसलिए यहां पर मैंने क्या किया, वेक्टर जब लगाया तो नेगेटिव साइन इसलिए लगाया क्योंकि मेरा करंट अगर राइट है तो मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां है? टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो डायरेक्शन का फर्क है। तो ये पूरे की पूरी वैल्यू देखो माइनस एन ए एल ई और वी डी, इसकी जगह रिप्लेस कर दो आई इंटू एल वेक्टर, पूरे की जगह आई इंटू एल वेक्टर, तो आंसर आ गया बड़ा छोटा सा आई इंटू एल क्रॉस बी। तो मतलब कुछ नहीं किया, एक्चुअल में तो ये आंसर आ चुका था, इसको वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट के साथ एडजस्ट करके क्या किया, छोटा कर दिया आई इंटू एल क्रॉस बी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे क्यू इंटू वी क्रॉस बी ऐसी आई इंटू एल क्रॉस बी, और एल की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की तरफ जाएगी, अगर करंट इधर है एल वेक्टर इधर है, अगर करंट इधर है एल वेक्टर इधर है, तो ये स्टेप क्लियर है। तो ये आपके पास फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर का एक्सप्रेशन आया, वेक्टर में भी और स्केलर में भी। अगर मान लो एंगल थीटा है, अब इसमें थीटा किसके किसके बीच में एंगल है, एल में और बी में, एल में और बी में, तो एल अगर इधर है बी भी इधर है, यानी कि वायर इज लाइंग अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, तो एंगल उनके बीच में क्या हो जाएगा, जीरो, और फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। तो अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइंड है तो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी। बिल्कुल वैसे ही जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ मूव करता है उसके ऊपर फोर्स नहीं लगती, क्लियर है यहां तक? तो करंट कैरिंग वायर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी। और अगर एंगल 90 है एल में और बी में, जैसे लेंथ ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है 90 डिग्री, तो फोर्स साइन 90 क्या होता है, मैक्सिमम, फोर्स क्या लगेगी, मैक्सिमम। तो ये स्टेप क्लियर है। और इसमें फोर्स की अगर डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है, तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए वही पुराने रूल है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, सेम रूल है। कैसे, ये देखो, सपोज करो आपके पास, लेट अस सपोज ये वायर है और इसमें करंट कितना है, आई करंट है, एक वायर में आई करंट है। तो इस केस में मान लो एक मिनट के लिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां पर है, वो अपवर्ड्स है, तो फोर्स कहां लगेगी, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता था, फर्स्ट फिंगर बी सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या करंट भी बोल सकते हो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो करंट के ऑपोजिट जाता है, पॉजिटिव चार्ज करंट के साथ जाएगा, तो या तो सेंट्रल फिंगर को बोलो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज या डायरेक्शन ऑफ करंट, एक ही बात है। तो बी डायरेक्शन ऑफ करंट ये रही, तो फोर्स कहां पर है, बाहर है, तो ये वायर फोर्स कहां एक्सपीरियंस करेगी, बाहर। क्या ये पॉइंट क्लियर है, बी करंट फोर्स बाहर, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? उसी तरीके से अगर ये करंट की जो डायरेक्शन है वो मैं उल्टी कर दूं, यहां पर बी करंट मेरी तरफ है तो फोर्स कहां पर है, इनसाइड है, उल्टा हो गया। तो अगर तो दोनों एल में और बी में, करंट में और बी में एंगल हो गया 90, फिर तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, मान लो 90 ना हुआ तो फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट रूल कैसे लगेगा, तो उस केस में आप सिंपल वेक्टर रूल लगाएंगे। कैसे, अगर मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, ये करंट इधर जा रहा है एल वेक्टर, और मान लो ये आपका बी वेक्टर, अब एल वेक्टर बी वेक्टर में एंगल 90 है ही नहीं, या मान लो ये एल वेक्टर ये वायर है और ये मान लो बी वेक्टर है, ये एल वेक्टर है ये बी वेक्टर है, ठीक है, अब फ्लेमिंग का रूल तो लगेगा नहीं, तो वेक्टर का रूल तो लगेगा, फोर्स वेक्टर क्या होता है, आई इंटू एल क्रॉस बी, तो एल क्रॉस बी अभी करवाया था, और वेक्टर का रूल प्लस वन में क्या कहता है कि चार राइट हैंड की चार फिंगर लेनी है, एल वेक्टर पे रखनी है, एल क्रॉस बी, एल से शुरू होकर बी तक मोड़नी है, एल क्रॉस बी, तो फोर्स ऊपर आएगी, ये देखो एल क्रॉस बी फोर्स ऊपर। तो वैसे तो 99% केस में एंगल 90 बनता है, फ्लेमिंग के रूल से आंसर आते हैं, 1% केस में अगर ना निकलता हो एंगल 90, फिर राइट हैंड से हम फिंगर से एल क्रॉस बी करके आंसर निकालेंगे।